नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। हमने कल के दिन में यूएस मार्केट्स में एक गिरावट देखी और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट या कोई महत्वपूर्ण रीज़न था तो वही था कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें हैं वो और बढ़ सकती है। उसी की वजह से अगर आप देखें तो जो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.95 से अभी जंप करके 4.05 के करीब आ चुका है, जो एक थोड़ा सा कंसर्निंग डेफिनेटली है, स्पेशली फॉर दोज मार्केट्स जहाँ पे ग्रोथ नहीं है या तो जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट सॉर्ट ऑफ सिनारियो है। तो इसी वजह से हमने एशियन मार्केट्स में भी कुछ गिरावट देखी है, कुछ मिक्स सेंटिमेंट्स हैं और हमारे मार्केट्स के लिए भी हमें लगता है कि इसे थोड़ा सा ये अपसाइड में कैप कर सकता है। हमारे मार्केट के अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है, बट साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब हम निकल चुके हैं। तो 19,550-600 के रेंज में निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, उन लेवल्स के करीब आप पोजीशंस को कम कर सकते हैं और अगर यहाँ से कोई करेक्शन अगर आता है तो 19,300-350 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ। सो 19,300 के नीचे निफ्टी का जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट एट द सेम टाइम 19,600 के ऊपर जाने के लिए भी मार्केट्स के लिए कुछ और ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे FIIs की खरीदारी चल रही है और इसी वजह से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज एक्टिविटी देखने मिलेगी। PSU बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, 45,700 के करीब रेजिस्टेंस है और 45,700 के ऊपर ही हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, अदरवाइज बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा 45,000-45,700। निफ्टी IT में भी 30,000 के लेवल्स क्रॉस होना ज़रूरी है, लेकिन HCL टेक इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में हम कुछ चमक देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मेटल्स में परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, टाटा स्टील, हिंडालको, जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे एक्टिविटी है और साथ ही साथ हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और कुछ PSU बैंक्स में हम तेज़ी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।